प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। सकल शीश के सीजन हाँ, कितना सुंदर तेरा घर। सकल शीश के सीजन हाँ, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हम, तेरा सुमिरन करते हैं। पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य संख्या 10 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। संभवतः डर का जो विषय होता है वो हम प्रत्येक मनुष्य के लिए सोचने, समझने और कभी कभी अपने मूल विषयों पर मनन चिंतन करने का एक अवसर देता है। हम जानते हैं हम बहुत सारी चिंताओं से ग्रसित होते हैं, हम बहुत सारी बाधाओं से घिरे रहते हैं, और ये सभी अवसर ऐसे होते हैं जब हम डर को लेकर अपने जीवन में आते हैं। आज के धर्म विधि के द्वारा हमें अपने डर पर और ईश्वरीय कृपा पर मनन चिंतन करने का एक अवसर मिलता है। हम देखेंगे जहां पर प्रभु अपने शिष्यों को ढाढ़स बंधाएंगे, डरो मत, मैं हूं। आज हम में से प्रत्येक लोगों को जानने की, समझने की और उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। जब भी हम पाप में गिर जाते हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ होता है। हमें चाहिए कि हम वचन को लगातार लेकर आएं, प्रभु को अपने जीवन में लेकर आएं और अपने विकट परिस्थितियों में हम प्रभुमय बन पाएं। आइए, जब हम इस मिसा पूजा बलिदान को अर्पित करने के लिए आए हैं, हम अपने आप के जीवन को परख कर देखें, अपने स्वभाव को परख कर देखें, अपने मनोभाव को परख कर देखें। यदि उनमें कुछ त्रुटियां हुई हैं, कमियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, तो बिना डरे हुए हम प्रभु के सामने आए और अपने किए हुए सारे गुनाहों के लिए माफ़ी मांगे, क्योंकि हम इस मिसा पूजा बलिदान को अर्पित करने के लिए आए हैं। आइए हम अपने आप को योग्य बनाएं और दया याचना का गीत गाते हुए अपने सारे किए पापों के लिए हम पश्चाताप करें। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। प्रीत है क्षमा करो सारे गुनाहों को।
प्रभु ने हमें यह अवसर दिया है, उन्होंने हमें पहचाना है, जाना है और जैसे भी हम हैं हमें स्वीकार किया है। आइए प्रभु के इस महान कार्य के लिए बड़े हर्षोल्लास के साथ में महिमा का गीत गाएं। महिमा गाते हम तेरी स्तुति हम करते हैं, भूख पर सुख शांति मिले शुभकामनाएं सब जन को। महिमा गाते हम तेरी स्तुति हम करते हैं, भूख पर सुख शांति मिले शुभकामनाएं सब जन को। धन्य तुझे कहते हैं, तुझको नमन तेरी आराधन करते रहे, सर्वदा परिशासन हो। महिमा गाते हम तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभकामनाएं सब जन को। प्रभु सुत ईश्वर पावन आत्मा सुनने पुकार, दीन दुखी हम आए द्वार। महिमा गाते हम तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभकामनाएं सब जन को। तेरी प्रभु पावन है, प्रभु सृजनहार, केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन ले जरा। महिमा गाते हम तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभकामनाएं सब जन को। बढ़िया दे पापर ने परमेश्वर कर दे कृपा, शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शीश तेरे दुर्बल हो। महिमा गाते हम तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभकामनाएं सब जन को। दाए पिता देवित्यमान, आत्मा संग विराजमान, पापक जग का हरता जा, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभकामनाएं सब जन को। हम प्रार्थना करें। आइए इस मिसा पूजा बलिदान में हम जो भी अपने मतलब को लेकर आए हैं प्रभु के पावन चरणों में उसे अर्पित करें। इसके साथ ही साथ हम कलीसिया के मतलबों को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं और हमारे मातृधाम आश्रम के सारे निवेदनों को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय के परमेश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 19वां इतवार, पहला पाठ, राजाओं का पहला ग्रंथ,
अध्याय 19 पद संख्याएं 9 11 से 13 तक। एलियस ने सिनाई पर्वत की गुफा के अंदर जाकर वहां रात बिताई। ईश्वर ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गईं, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाह, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाह, जहाँ हरित उपवन वहाँ मुझे ले चलो, जहाँ बहे मीठा जल प्रभु मुझे ले चलो, जहाँ हरित उपवन वहाँ मुझे ले दूसरा पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9 पद संख्या 1 से 5 तक। मैं अपने भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्रात्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इसराइली हैं, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जगत में सबसे महान है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जगत में सबसे महान है। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 वाक्य संख्या 22 से लेकर 33 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह अकेले वहां थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज रखो, मैं ही हूं, डरो मत। पेत्रुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेत्रुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर आगे बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो वह चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव पर थे वे यीशु की दंडवत करते हुए कहने लगे, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि मैंने पहले कहा था, मनुष्य के जीवन में डर होता है। डर कब होता है? जब वह गलत करता है, जब उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। डर प्रमुखता दो चीज़ों से हो सकती है। एक है जो अंदर से होती है, जो आंतरिक विषय पर प्रभावी होती है। दूसरा डर जब होता है जब बाह्य चीज़ों के द्वारा कोई चीज़ या हम प्रभावित हो जाते हैं। आज के दोनों पाठ के द्वारा हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हमें उन अवसरों को और उन अवसरों के चुनौतियों को कैसे स्वीकार करना है और स्वीकार करते हुए यीशु को अपने जीवन में कैसे प्रकट होने देना है। हमारे जीवन में संभवतः हर एक पल डर होता है। किसी किसी को मरने का डर होता है, किसी किसी को खाने पीने का डर होता है, उनको चिंता होती है। चिंता एक तरह से डर ही है। किसी किसी को अपने जो भविष्य है उनको लेकर चिंतित होते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। पारिवारिक समस्या को लेकर डर जाते हैं, सहम जाते हैं। अपने आध्यात्मिक जीवन को लेकर डरते हैं, सहमते हैं। और यह डर इस बात का आभास होता है, सबसे पहले हमें जरूरी है जानने के लिए कि डर हमारे स्वभाव में है, तो हमें इस बात का आभास होता है कि ईश्वरीय कृपा हमारे साथ है। आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ से लिया गया है, जहां पर हम देखते हैं कि एलियस सिनाय पर्वत के एक गुफा पर छिप जाता है। उसके जीवन में डर प्रभावी हो जाता है क्योंकि उसने सच्चाई का साथ दिया और जो बुराई हो रही थी उस समय उसका विरोध किया, तो स्वतः ही उसके जीवन में डर आ जाता है। हम देखते हैं कि वह डर के मारे वह उस राज्य को छोड़कर पहाड़ पर गुफा में जाकर बस जाता है और वहां पर प्रभु उसे दर्शन देता है। प्रभु का दर्शन नबी एलियस को कब मिलता है? जब वह हवा की सरसराहट को सुनता है, या संभवतः हमारे जीवन के उन परिस्थितियों को लेकर आता है जहां पर हम शांत हो जाते हैं, उन अवस्थाओं को लेकर आता है जब हम अपने आप के स्वभाव को थोड़ा शांत कर देते हैं। हम देखते हैं नबी एलियस को आंधी में प्रभु दिखाई नहीं देते हैं, तूफान में प्रभु दिखाई नहीं देते हैं, जब पर्वत फट जाता है उसमें प्रभु दिखाई नहीं देते हैं,
लेकिन जब मंद वायु की सरसराहट उसे सुनाई देती है तब उसके जीवन में प्रभु का आभास होता है, ईश्वरीय आभास होता है। इसलिए वह अपने गुफा से बाहर निकलता है और अपना चेहरा ढक लेता है। यह हमें उस बात की ओर लेकर संकेत करता है, हमें संभवतः हमारे दैनिक जीवन में जो भी दुख होता है, डर होता है, समस्या होता है, उन सभी अवसरों में कभी कभी हमें शांत होने की आवश्यकता है, अपने आप के स्वभाव को शांत करने की ज़रूरत होती है। और उन अवसरों में ईश्वर हमारे जीवन में बोलता है। हमारे सामने संत जोसेफ का बहुत अच्छा उदाहरण है। हम देखते हैं कि ईश्वरीय योजना जब वह सोता है, स्वप्न के रूप में उसे दिखाई देता है। इसका अर्थ क्या है कि जब वह शांत हो जाता है तो शांत में स्वभाव में ईश्वर उसके सामने बोलता है। तो हमें चाहिए कि जब भी हम डर जाएं, हमें शांत होने की आवश्यकता है। जब हम शांत हो जाते हैं तब ईश्वर अपनी बातों को हमारे जीवन में रखते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जहां पर वचन कहता है कि नाव डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। सबसे पहली बात है कि नाव में केवल शिष्य लोग थे, यीशु वहां नहीं थे। यह हमारे जीवन की उन परिस्थितियों को इंगित करता है, उन परिस्थितियों को समझने का अवसर देता है जब हम समझते हैं कि हम अपने आप से अपने जीवन को जी सकते हैं, अपने आप से हम अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, हम स्वार्थ बनने की कोशिश करते हैं। उन सभी अवसरों को यहाँ दर्शाता है। वचन में हम साफ साफ पढ़ते हैं कि वायु प्रतिकूल थी और प्रतिकूल होने के कारण वे लोग जिस सुगमता से आगे बढ़ सकते थे वो बढ़ नहीं पाते हैं। और उनके बीच में जब प्रभु का आगमन होता है तो उनकी परिस्थिति बदल जाती है। हम वचन के अंत में पढ़ते हैं, वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। इसका बहुत सा जो सारांश होता है जिसे हम अपने जीवन में ले सकते हैं, इसे हमें लेने की आवश्यकता है। इसी बीच में हम पेत्रुस को देखते हैं। जैसे ही वह यीशु को पहचानता है और यीशु उन्हें साहस देते हैं, धैर्य देते हैं, तब वह कहता है कि यदि यीशु आप ही हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं तेरे पास चलकर इस समुद्र में आ जाऊं। और यीशु उसे अनुमति देते हैं और वह प्रभु की ओर दृष्टि लगाए हुए आगे बढ़ता है। जब तक हम देखते हैं कि पेत्रुस का दृष्टि यीशु में टिका हुआ होता है, वह आगे बढ़ता है। हम वचन में पढ़ते हैं, किंतु वह प्रचंड वायु को देखकर घबरा जाता है। इसका तात्पर्य क्या है कि उसका दृष्टिकोण, उसका नज़र प्रभु पर से हटकर समुद्र पर चला जाता है और वह डूबने लगता है। और तुरंत वह प्रभु को पुकारता है और प्रभु उसकी सहायता करता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज दो अवस्थाओं को देखते हैं। एक जो हमारे बाह्य चीज़ों के द्वारा प्रभावी होती है और दूसरी जो हमारे आंतरिक जीवन के द्वारा प्रभावी होती है। और इन दोनों अवसरों पर हमें कैसे प्रभु को मिलना है, कैसे प्रभु को महसूस करना है, इसके बारे में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आइए हम प्रभु से बल मांगे कि हम अपने जीवन के हर एक क्षण में, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दोनों अवसरों पर हम प्रभु को महसूस कर पाएँ, उसकी ओर निगाहें दौड़ाएँ, हम प्रभु की ओर आगे बढ़ते जाएँ। जो भी घटनाएं और जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में आए, उनकी चुनौतियों को हम स्वीकार कर पाएं और प्रभु को देखते हुए हम आगे बढ़ते हुए बहुत सारे लोगों के लिए एक माध्यम बन पाएं, इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करते हुए कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा
और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जीव उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह पवित्र दाता है, वह पिता और पुत्र से प्रसिप्त होता है और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरितिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात चाहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए अपनी सारी प्रार्थनाओं को और निवेदनों को उनके पावन चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए उसी विश्वास से प्रेरित होकर हम प्रभु के सामने अपने निवेदनों को अर्पित करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, माता कलीसिया, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों एवं धर्म बंधुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, उन्हें निष्पाप जीवन जीने एवं आत्मा से परिपूर्ण होकर तेरे सुसमाचार की घोषणा करने की कृपा मिले। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी बीमार, असहाय एवं पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तू ही उनका सहारा है प्रभु। वे अपने जीवन के दुखों को ईश्वर का वरदान समझकर आप पर भरोसा रखते हुए धैर्यपूर्वक सहन कर सकें। हे पिता, सभी निसंतान दंपतियों को धार्मिक संतति दीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संसार भर के युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें अपना विवेक दीजिए ताकि वे तेरे मार्ग पर चल सकें, सारे हृदय, सारे मन और सारी आत्मा से तुझको प्यार कर सकें। सभी बेरोजगारों के लिए रोजगार का प्रबंध कीजिए, उन्हें उचित जीवन साथी मिले। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम अपने देश को तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। जो लोग जिम्मेदार पदों पर हैं, वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं। जहां अशांति, अत्याचार, सतावट है, वहां प्रभु तेरी सुख शांति विराजे। सभी अत्याचारियों को अपना आशीर्वाद दीजिए, उनका हृदय परिवर्तन कर दीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम मणिपुर की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पर दोनों समुदायों के बीच में आपसी प्रेम बढ़ता जाए, ईश्वर उनके बीच में शांति का प्रचार प्रसार करे, ताकि वे लोग हिंसा को छोड़कर भाईचारे को और सेवा कार्य को अपना सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अच्छी बारिश के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर किसान भाई बहन बारिश के इंतजार में है, ताकि प्रभु की कृपा उनके लिए हो, उनको अच्छी बारिश मिले, ताकि वे लोग अपने खेती बाड़ी को संभाल सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी लोगों को भी याद करते हैं जो अतिवृष्टि के कारण अपने घर को और अपने खेती बाड़ी को खो चुके हैं, उनके लिए भी प्रभु उचित मात्रा में प्रबंध करे, उनको इस दुख के समय में धैर्य दे, सांत्वना दे। इसके लिए पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए एक क्षण मौन होकर हम अपने अपने सारे निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने अर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान जीवन दाता ईश्वर, हम तेरे सानिध्य में हैं प्रभु और तेरे कृपा के लिए लालायित हैं। अपने सारी प्रार्थनाओं को तुझे अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु,
कृपापूर्वक इसे स्वीकार कर और हमारे जीवन को अपने प्रेम से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आए तेरे द्वारे भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। आए तेरे द्वारे भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। स्वीकार से तू पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें प्रभु। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। आमीन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये दान सानंद स्वीकार कर। तूने ही इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से हमारी मुक्ति के संस्कार बनते जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुमारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातनाएं सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा करते हैं। हे पावन, हे पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नव में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नव में हो।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हमें अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्धन्य योसेफ, सद्धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र येसु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब एक साथ त्रित्वमेश्वर का गुणगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु के प्रेम से प्रेरित होकर और उनके विश्वास से सुदृढ़ होकर उन्हीं की प्रार्थनाओं को हम बड़े भक्ति भाव से दोहराए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारे प्रतिदिन का हर आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे
कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर, तुझे युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम सब तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाफर लेता है और हमसे कहता है, डरो मत, मैं ही हूँ। धन्य है जो हम प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, कि मेरे शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीह। अपना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। क्षण मौन होकर प्रभु को हम अपने जीवन में घर कर जाने दें। प्रभु के वचन से हम पोषित किए जा चुके हैं और हमारे में दृढ़ता आ गई है, क्योंकि वचन में प्रभु ने कहा, डरो मत। प्रभु के शरीर और रक्त को हम लोगों ने पाया है, जो हमारे जीवन का आधार है और हमारे विश्वास का रहस्य। आइए उसी प्रभु को अपने जीवन के हर एक कोने में वास करने दें। अपनी सोच में, समझ में, अपने सारे क्रियाकलापों में उसी प्रभु को आने दें। आइए प्रभु जी, मुझे अपने अधीन में ले लीजिए। मेरी सोच को, मेरी चिंताओं को, मेरी व्यथाओं को, मेरे मनोभाव को, मेरे जीवन के हर एक पल को प्रभु अपने सानिध्य में रखना और मेरा भरपूर साथ देना। प्रभु, जिस तरह से तूने डगमगाते नाव में अपने शिष्यों का साथ दिया,
उनके जीवन का उद्धार किया, उनको समझ दी प्रभु कि तुझसे हटकर उनका जीवन असंभव है, बस तुझसे जुड़कर प्रभु उनका जीवन हर पल संभव है। धन्यवाद प्रभु हमें इतना अच्छा दिन देने के लिए, अपनी कृपाओं से हमें भरने के लिए, हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू हमारे जीवन में बस जा, हमारा भरपूर साथ दे प्रभु। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं, यह हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विद्यालय ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से आगे बढ़ता। धन्यवाद।